अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कौन मनहूस आया है? ओ जनाब, काय मर रहे हैं आप इस वक्त हमारे दरवाजे पर? तिवारी जी, माइंड योर लैंग्वेज। आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से ऐसी बात नहीं कर सकते। आई विल सू यू इन द कोर्ट। हेलो हेलो भरभूति जी। हेलो भाभी जी, लुकिंग गॉर्जियस, लेट मी हैव अ पिक्चर। या दैट्स बेटर। या भाभी जी, या थोड़ा डाउन, लुक डाउन, लुक डाउन, लुक डाउन। या जरा इनको हटाइए, साइड में साइड में हटाइए, इनको हटाइए, पीला कुर्ता हटाइए इनको। या दैट्स बेटर भाभी जी, दैट्स गुड। यार हैट, चुप रहिए। हमने पूछा काय मर रहे हैं आप हमारे दरवाजे पर? एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर तिवारी। आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से बदतमीजी कर रहे हैं। आप ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं आपको कोर्ट में सू कर दूंगा। अरे आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, कहीं के गवर्नर नहीं है। और मत भूलिए कि आप हमारी जगह पर अपना धंधा जमाए बैठे हैं। माइंड योर लैंग्वेज वंस अगेन मिस्टर तिवारी। धंधा वो है जो आप करते हैं। आई एम अ फ्रीलांसर प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तो प्लीज मेरे प्रोफेशन की अपने धंधे से प्लीज तुलना मत कीजिए। अरे हमारे धंधे से आपके फोटोग्राफी के धंधे की तुलना हो भी नहीं सकती। हमारा धंधा महान है। लोग कच्चे बनियान के बिना नहीं रह सकते, लेकिन फोटोग्राफी के बिना रह सकते हैं। और मत भूलिए कि हमारी जमीन पर आपने जो अपना खोमचा खोल रखा है ना, वो हमने अपने कच्चे बनियान के धंधे से खरीदा है। माफ कीजिएगा, वो खोमचा फ्री में नहीं खोल रखा है। एक सेकंड भाभी जी, एक सेकंड। खोमचा हमने फ्री में नहीं खोल रखा है। पैसे फेंकते हैं, पैसे मुंह मारते हैं, पैसे आपके, समझे? फोटो फोटो, ये देखिए भाभी जी, प्लीज लेट मी फिनिश। इट्स जस्ट होल्ड द पोज, इट्स अ नाइस पोज। ठीक बा। तिवारी जी, हमने खोमचा फ्री में नहीं खोल रखा है। पैसे मारते हैं मुंह पे आपके। हमने कहा आप हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है जो हम आपको फ्री में धंधा खोलने के लिए दे देंगे। बाय द वे, मुझे आपके रिश्तेदार बनने का कोई शौक नहीं है। डाउन मार्केट भाभी जी, मुझे इनसे कोई जिरह बहस नहीं करनी। आप इनसे कहिए कि ये मेरे पैसे दे दें, 8,000 रुपीज। की भैया उनके 8,000 दे। अरे गुइया खेत में गए 8,000 रुपए, और बंद करो ये जनता है लोरा। हम एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे आपको। क्यों नहीं देंगे आप? क्यों नहीं देंगे आप, ये बताइए। ऐसा प्रोफेशनल फी, और मैंने भाभी जी का फोटो शूट किया है। अरे तो कौन सी ट्रंप की शादी का फोटोग्राफ खींच लिया जो इतना इतरा रहे हैं? फॉर ट्रंप इट्स टू लेट इन द डे टू गेट मैरिड। ओके भाभी जी, मुझे इनसे कोई बहस नहीं करनी। आप इनसे कहिए कि मेरे पैसे दे दें, 8,000 रुपीज। अलडुकी भैया उनका मेहनताना है। चुप रहो। तुम्हें कोई भी आदमी कुछ भी बेच के चला जाता है, तुम खरीद रहती हो। चवन्नी भर भी अकल का इस्तेमाल नहीं करती हो। हेलो तिवारी जी, यू कांट। यप, क्या कर रहे हो तुम यहाँ नीचे खड़े होके? मैं तिवारी जी अपने प्रोफेशनल फी मांग रहा हूँ 8,000 रुपए, और ये मना कर रहे हैं, बदतमीजी अलग कर रहे हैं मेरे साथ। तुम पहले घर आओ विभू, पहले मेरे साथ बात करो, बाद में उनसे बात करते हैं। भाभी भाभी, आई वांट टू टॉक टू, विल टॉक लेटर तिवारी जी। हम लोग बाद में बात करते हैं। आप विभू, कम होम राइट नाउ। विभू हेलो हेलो माँ जी, प्रणाम कर रहे हैं। आज जुग जी, हमारे बच्चे कैसन बा? हम तो बहुत ही मस्ती में बा अम्मा जी आज। अच्छा मस्ता रही हो? अरे ये तो अच्छी बात है, कभी कभी मस्ताना भी चाहिए। ये उम्र में नहीं मस्ता होगी तो कब बुढ़ापे में मस्ता होगी? हम तो अभी भी मस्ताते हैं। हाँ तो बूढ़े होंगे आपके दुश्मन अम्मा जी, अभी तो आप बहुत ही जवान हैं। हाँ हाँ, पता है पंडित रामफल भी हमसे कहते हैं कि रामकली तुम तो दिन ब दिन जवान होती जा रही हो। अब ऊपर वाला हमको इतना ब्यूटीफुल बनाया है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना? हाँ वो बात तो है अम्मा जी, आपका भूती ना गार्ड की फाट है। अब पता है क्या हुआ? कल हम गली में खड़े रहे तो वहाँ पे हमसे भी आधा उम्र का आदमी रहा। वो हमसे क्या कह रहा है जानती हो? कहता है ए लड़की हटा, हमको स्कूटर निकालना है। अब हम का बोले, ये तो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट ना है। हाँ अम्मा जी सही पकड़े हैं। का है ना कि कॉम्प्लीमेंट तो आज हम भी लड्डू की भैया को देने वाले हैं। का है, का करने वाली हो तुम? ऊ ना हम वो करने वाले हैं जो कछु साल पहले अभाग्यश्री सलमान खान के लिए की रही। अरे
भाग्यश्री ने का किया, वो तो कछु कर भी नहीं की है। वो चक्कर में तो जवान जवान लड़के कितना बार फिल्म देखने चले गए, खुद पंडित रामफल 100 बार वो फिल्म देखा है, वो भाग्यश्री चदार हटाई भी नहीं की है। अच्छा अम्मा जी, अब हम थोड़ा तैयारी कर लेते हैं उसके लिए, उसके बाद आपको कॉल करके सब कुछ बताएंगे, ठीक बा? ठीक बा। सर पांड्या रे, ये लड्डू के भैया को भी बोल देते हैं ना, नहीं तो लेट हो जाएंगे। मेरी बेटी एक तो सादा पान लगा दे। क्या बात है तिवारी भैया, काफी दिन हो गए आप वैसा वाला पान लेकर नहीं गए हैं। बेटी अब वैसा वाला पान खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तिवारी भैया मजा वही वाले पान में आता है। हाँ ठीक है, लेकिन वैसे वाले पान की अब उम्र भी तो नहीं रही। हाँ ये भी बात है। यार ये कौन है? अरे यार ये पगली का ही फोन कर रही है भाई। हाँ पगली बोलो। हेलो लड्डू के भैया, हम क्या बोल रहे हैं, आज थोड़ा जल्दी घर आ जाइए। का कछु खास है क्या? हाँ वो का है कि आज हम आपको कछु सरप्राइज देना चाहते हैं। अच्छा क्या सरप्राइज है? अब जब सस्पेंडर खोल देंगे तो सरप्राइज कहाँ से हुआ? अरे सस्पेंडर नहीं, सस्पेंस होता पगली। सही पकड़े हैं। लेकिन फिर भी कुछ हिंट तो दो, कुछ खुलासा करो। आपको संकेत चाहिए? संकेत ये है कि आज हम साड़ी के अलावा कुछ और पहनने वाले हैं। ओहो अच्छा, चलो फिर तुरंत ही आते हैं। ठीक बा, सी यू, बाय बाय। सुन मेरी बेटी, वैसा वाला ही पान लगा दे। लेकिन अभी तो आपने बोला था कि आपकी उम्र नहीं रही। जो कहा जाए वो कर। ठीक है तो बना देते हैं वही वाला पान। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।